जिनकी नजरों में है श्याम प्यार, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। अगर आपने हमारे चैनल मनीष बोधवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आगामी भजनों व संकीर्तन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आप भी संकीर्तन की सेवा को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जब आप वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं तो आप भी इस सेवा में सहभागी बन जाते हैं और आपके द्वारा की हुई कमेंट हमें प्रेरणा देती है कि हम नाम रूपी गंगा को जन जन तक पहुंचाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। नामदेव जी की झोपड़ी जल रही है, भूं भूं करके अग्नि धधक रही है। नामदेव जी खुद अपनी कुटिया पर झोपड़ी पर मौजूद नहीं। पड़ोस वालों ने सोचा कि भैया नामदेव स्वयं मौजूद नहीं, हम ही कुछ जितना बच सकता है हम सामान बचा लें। पड़ोस वालों ने प्रयास किया, भैया किसी ने कुछ पुस्तक निकाली, किसी ने जो जो हो सका उतना सामान बाहर निकाला, कम से कम ये तो बच जाए। इतने में नामदेव जी आ गए, बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले आपका सामान पूरा का पूरा जल न जाए, हमसे जितना बन पड़ा हमने उतना सामान निकाला, कम से कम इतना तो बच जाए। नामदेव जी ने वो सामान अपने हाथों से उठाना प्रारंभ किया और उसी जलती हुई भूं भूं करती हुई अग्नि में वापस स्वाहा स्वाहा। अब पड़ोस वालों ने सोचा भैया इसके जैसा पागल व्यक्ति हमें कहां मिलेगा। हमने सोचा कि भैया जितना सामान बन सके हमसे हम बचा लें, हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी नामदेव ने। ये तो अपने हाथों से स्वयं सामान को अग्नि के बीच झोंक रहा है। नामदेव कहते हैं भैया मेरी कुटिया पर मेरे विठल के अतिरिक्त कोई आ नहीं सकता, अगर आज अग्नि आई है तो समझ लेना मेरा विठल ही अग्नि का रूप बनकर मेरी कुटिया पर आया है। मेरा विठल आया है, भला मैं इस सामान को क्यों बचाऊं? नामदेव जी ने सामान उठाया और जलती हुई कुटिया में डाल दिया। अब पड़ोस वाले चल दिए, बोले भैया चलो अपने अपने घरों पर। पड़ोस वालों ने फैसला किया भैया अब इसको कोई शरण मत देना, कुटिया तो जल ही चुकी है, हमने बचाने का प्रयास किया तो अपने हाथों से वो बचा हुआ सामान खुद अपनी उस जलती हुई कुटिया में झोंक दिया, डाल दिया, अब इसे कोई शरण मत देना। रात्रि का समय, कुटिया तो जल रही है, नामदेव जी कुटिया के बाहर विठल 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 गाते गाते नामदेव जी कहते हैं बाहरे मेरे विठला, अब तक तो मुझे चार दीवारी के अंदर सुलाया करते थे, तुम्हारे मन में क्या सूझी? आज इतना बड़ा तुमने महल दिखा दिया, पूरे खुले आसमान के नीचे, खुली हवा के नीचे आज मुझ पर कृपा करने के लिए तुमने ये कार्य किया मेरे विठल। भक्त पर जब भी कोई विपत्ति आएगी, भक्त को विपत्ति विपत्ति नहीं लगती भैया, उसे तो उसमें भी ठाकुर की कृपा ही दिखती है। नामदेव जी विठल 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 करते बाहर ही सो गए।
अब हमारे प्रभु ने देखा कि भैया इतना भोला मेरा भक्त, इसे तो खुद की कोई चिंता नहीं, पर जिसे जिसे खुद की चिंता नहीं उसे उसकी चिंता हमारे ठाकुर करते हैं। प्रभु कहते हैं रुक्मिणी जी बस आप यहीं रुको मैं आता हूं। रुक्मिणी जी कहती है कहां कहां चले प्रभु? बोले आज भक्त का एक कार्य करने जा रहा हूं, हो सकता है आते आते सुबह हो जाए। रुक्मिणी जी कहती है प्रभु अकेले जाएंगे? मुझे भी संग ले चलो। अब प्रभु ने कहा कि चलो भैया मैं अकेला मजदूरी करता, आज संग रुक्मिणी जी भी चल रही है। बोले चलो देवी आप भी संग। अब रुक्मिणी जी और हमारे प्रभु स्वयं आए हैं। नामदेव जी निश्चिंत होकर कुटिया के बाहर सोए हैं। विठल प्रभु रुक्मिणी जी के संग आकर एक एक ईंट जोड़ रहे हैं। ईंट जोड़ी अपने हाथों से स्वयं रातों ही रात में रुक्मिणी जी के संग उस कुटिया को, जली हुई कुटिया को एक महल बना दिया। महल बन गया। जरा सोचो हम अपने हाथों से कुछ बनाए तब तो हमें अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है, लेकिन जब वही कुछ हमारे प्रभु अपने हाथों से बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तब तो सुंदर से भी सुंदर होगा। सुबह नामदेव जी उठे, देखा भैया महल बन चुका है। नामदेव जी समझ गए भैया कुटिया को जलाने वाले भी मेरे प्रभु और उस जली हुई कुटिया को महल बनाने वाले भी मेरे प्रभु हैं। अब नामदेव जी जो ही उसमें प्रवेश किए, पड़ोस वाले सोकर जगे के भैया देखें तो इस नामे का क्या हाल चाल है। पड़ोस वाले अपने घरों से निकले, देखा भैया यहाँ तो झोपड़ी थी, ये तो महल बन गए। नामदेव के पास आए, भैया ये क्या हुआ? रातों रात किसको पकड़ लाए, किसने कुटिया की जगह पर महल बना दिया? नामदेव कहते हैं भैया कारीगर ही ऐसा मिला, वो आता भी रात को है और काम भी रात को करता है और आधे में भी नहीं छोड़ता, पूरा ही करके जाता है। भैया उसका काम कभी आधे में रहा ही नहीं, जो कार्य उसने अपने हाथ में उठा दिया उसे तो वो पूरा ही करके छोड़ता है। अब पड़ोस वाले कहते हैं भैया ऐसा कारीगर तो हमें भी मिला। नामदेव कहते हैं भैया ऐसा कारीगर यूं ही नहीं मिलता। बोले भैया कैसे मिलेगा? बोले भैया ऐसे कारीगर से मिलने के लिए अपने हाथों से अपनी कुटिया को आग लगानी पड़ती है, जिसके जिगर में दम हो आ जाए भैया वो कारीगर से मिल लेगा। कहने का अभिप्राय क्या भैया? कहने का अभिप्राय बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सरल। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी प्राणों के रक्षक ओ भैया वो सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी प्राणों के रक्षक ओ भैया वो सुदर्शन चक्रधारी। कहने का अभिप्राय कि भैया भक्त वही जिसे आगे की कोई चिंता नहीं, क्योंकि भैया जब बागडोर कन्हैया के हवाले कर दी फिर किस बात की चिंता, बनेगी भी तुम्हारी और बिगड़ेगी भी। आवाज नहीं आई भैया किसकी? अभी भी आवाज नहीं आई। बनेगी भी तुम्हारी और बिगड़ेगी भी तुम्हारी। ऐसे लग रहा भैया केवल हम पांच छह जन बैठे हैं। उच्च स्वर से कहो बनेगी भी तुम्हारी और बिगड़ेगी भी। अब आवाज आई भैया, वरना मुझे तो लगा वो नामदेव जी के पड़ोसी थे जो, इसीलिए जिनकी नजरों में है श्याम प्यार,
वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। क्यों न्यारे? ऐसे ही न्यारे रहते हैं भैया, क्योंकि जग वाले बुद्धि का प्रयोग करते हैं और हमारे ठाकुर के जो भक्त हैं वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, वो तो भैया हृदय से सोचते हैं, हृदय की बात सुनते हैं। जरा विचारो, नामदेव ही की और बात कहेंगे, फेंट में पंधी है क्या पादुका, केवल विठल जी को देखा और मस्त हो गए, मंदिर में प्रवेश कर दिया, लोगों ने मुक्के मारे भैया, धक्के भी मारे, मुक्के भी मारे, मंदिर से निकाल दिया भैया, पादुका बांध कर मंदिर में प्रवेश करते हो। नामदेव ने सोचा मेरे प्रभु की यही इच्छा होगी और मंदिर के बिल्कुल पीछे जाकर बैठ गए। हमारे प्रभु ने सोचा भैया मेरे भक्त का ऐसा अपमान, मेरे भक्त का ऐसा तिरस्कार। कन्हैया कहते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा भैया, मेरे भक्त का मान कभी मैं टलने नहीं देता। हमारे ठाकुर ने सोचा भैया ये तो गलत हुआ, अब भक्त का मान कैसे बढ़ाएं। संत कहते हैं भैया किसी मंदिर का द्वार कभी दक्षिण की दिशा में नहीं होता, कभी किसी मंदिर का द्वार दक्षिण की दिशा में नहीं होता, लेकिन नामदेव जी जहां बैठे हैं मंदिर के पीछे वो दक्षिण दिशा है। प्रभु ने नामदेव जी का मान बढ़ाने के लिए भैया मंदिर के द्वार की दिशा ही बदल दी, जहां नामदेव जी बैठे थे दक्षिण की दिशा में उसी दिशा में मंदिर का द्वार कर दिया भैया, मानो पूरे संसार को दिखला दिया कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं लेकिन अपने भक्त का, मेरे भक्त का मान टले ये मैं सहन नहीं कर सकता, कभी अपने भक्त का मान मैं टलने नहीं देता। प्रबल प्रेम पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए। उठाओ ना दोनों हाथ, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। अब कुछ दिन पूर्व हम अहमदाबाद में थे, तो हमें वैसे ज्ञात नहीं था लेकिन हमें बतलाया गया कि डाकोर यहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं।
डाकोर हमारे ठाकुर का एक स्थान है, तो हमें सौभाग्य मिला दर्शन का, ठाकुर का बुलावा आया, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां जाकर हमने देखा भगवान का नाम क्या था भैया, पता है किसी को क्या था? रणछोड़। अब जरा विचारो भैया, भगवान का नाम रणछोड़ हो सकता है? भगवान त्रिलोकी नाथ और हम कहें रणछोड़। रणछोड़ का अर्थ क्या होता है? जो रण छोड़कर भागा हो वो रणछोड़। प्रभु ने कहा भैया अपने भक्तों की खातिर, अपने भक्तों की रक्षा के खातिर भले ही मेरा नाम रणछोड़ पर जाए, मुझे वो स्वीकार है, लेकिन मेरे भक्तों पर कोई विपत्ति आए, मेरे भक्तों पर कोई आंच आई, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और प्रभु ने ये नाम स्वीकार कर लिया रणछोड़। मैं विचार कर रहा था, देखो हमारे ठाकुर कितने सरल है। माखन चोर रणछोड़, कैसे कैसे नाम भक्तों ने प्रभु को दिए और प्रभु ने अपने मस्तक पर धारण कर लिए, सिर पर धारण कर लिए। प्रभु कहते हैं मेरा भक्त केवल मुझे पुकारे तो सही। माखन चोर कहे, टेढ़ी टांग वाला कहे, रणछोड़ कहे, लेकिन पुकारे तो सही। प्रभु तो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम पुकारो और मैं दौड़ा दौड़ा आऊं। पर विडंबना ऐसी कि हम बुलाते नहीं और प्रभु आते नहीं। हमने पहले भी सुना है ना कि भैया जब हम पुकारते हैं तो अभी तो केवल हमारी जिह्वा पुकार रही है। जिह्वा पुकारती 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 एक समय आएगा जब जिह्वा नहीं संग संग कंठ भी पुकारेगा। फिर पुकारते 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 एक समय ऐसा आएगा जब केवल जिह्वा नहीं, केवल कंठ नहीं, हमारे हृदय से आवाज आएगी, हमारा हृदय पुकारेगा। और बस वही क्षण रहेगा जब हृदय पुकारेगा, और हृदय पुकारता है, हृदय की पुकार सीधे हमारे कन्हैया के कानों तक पहुंचती है, सीधे ठाकुर जी के कानों तक जाती है। इसीलिए पुकारना कभी बंद न करें आप। हम आइए मिलकर, जिनकी नजरों में है श्याम प्यार, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यार, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, तालियों की सीमा के संग गाओ सब, नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देखे होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती